Hello children, in this video you will get to know what is file, what are the characteristics of text file and binary file, and what is the difference between text file and binary file. So let us start with what is a file. File kya hoti hai? Okay, jab aap computer pe koi bhi kaam karte ho, ओके पर आप उसे सेव नहीं करते हो तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हो, अपना कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है उसको स्टार्ट करते हो, तो वो वर्क क्या होता है, आपको नहीं मिलता, राइट? क्योंकि वर्क की जो भी आप वर्क कर रहे हो उसकी प्रोसेसिंग होती है वो टेम्परेरी होती है. अगर आपने उसको सेव नहीं किया है तो वो आपको नहीं मिलेगा, राइट? तो अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट वर्क है और आप चाहते हो कि वो आपके कंप्यूटर में स्टोर रहे, तो आप क्या करते हो, उसको सेव करते हो. तो वट एवर वर्क वी आर डूइंग वो किस फॉर्म में सेव होता है, वो फाइल की फॉर्म में सेव होता है, राइट? और कहाँ पे जाके सेव होता है, आपके सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव होता है. सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स आपकी हार्ड ड्राइव में जाके वो सेव होता है, राइट? तो फाइल क्या है, फाइल इज अ नेम्ड लोकेशन. और जब भी आप अपने वर्क को, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करोगे, तब आपको उसका एक पर्टिकुलर नेम देना होता है. ओके, तो फाइल क्या है, फाइल एक नेम्ड लोकेशन है ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, राइट? आपकी फाइल कहाँ जाके स्टोर हो रही है, आपकी फाइल स्टोर हो रही है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, राइट? ओके, आपकी हार्ड ड्राइव में, और उस फाइल का एक पर्टिकुलर नेम होता है. वे डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस. और आपकी फाइल में क्या होता है, डेटा को आप परमानेंटली स्टोर कर देते हो जिससे कि आप उसको बाद में यूज कर सको, उसको बाद में एक्सेस कर सको. आपकी फाइल तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक कि आप खुद उसको डिलीट नहीं करते हो, या फिर आपका सिस्टम करप्ट होके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती है, राइट? ओके, नाउ कंप्यूटर्स स्टोर एवरी फाइल एज अ कलेक्शन ऑफ जीरोस एंड वंस दैट इज इन बाइनरी फॉर्म. अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम तो अपनी लैंग्वेज में, जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, इंग्लिश में, राइट, आपने 1, 2, 3 नंबर्स को यूज किया, आपने अल्फाबेट्स को यूज किया, उसमें आपकी फाइल बनी है, राइट? ओके, लेकिन कंप्यूटर इंटरनली फाइल्स को कैसे स्टोर करता है? आप तो अपने लैंग्वेज में कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करोगे, राइट? या फिर आपने पिक्चर को सेव किया है, आपने वीडियो को सेव किया है, राइट? वो क्या है, ह्यूमन रीडेबल है, ओके? बट कंप्यूटर्स इंटरनली जितनी भी फाइल्स होती है उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसे बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं. बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, राइट? सिंगल 0 या सिंगल 1 को आप बिट बोलते हो, ओके? Therefore, every file is basically just a series of bytes stored one after the other. तो अगर देखा जाए तो files क्या है, files क्या है, series of bytes, bytes की series है, right? आपके 8 bits मिलके क्या बनते हैं, 1 byte बनता है, okay? 8 bits आप join करके क्या बनाते हो, 1 byte, right? तो 8 bits में आपके क्या आते हैं, 0 1 आते हैं, okay? तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, फाइल इज बेसिकली जस्ट अ सीरीज ऑफ बाइट्स. तो फाइल क्या है, सीरीज है, मतलब 1 byte आया, फिर 2nd byte, 3rd byte, 4th byte, ऐसे आपका डेटा इंटरनली स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर. ओके, नाउ देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स. अब जब हम डेटा फाइल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 मेन टाइप की फाइल्स की को लेंगे, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, राइट? Now we have characteristics of text file. Okay, a text file can be understood as a sequence of characters consisting of alphabets, numbers, and other special symbols. Okay, तो text file क्या है? Sequence of characters है. उसके अंदर आप alphabets का use कर सकते हो, numbers का use कर सकते हो, symbols का use कर सकते हो. Okay, files with extensions like .txt, .py, .csv. एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट फाइल. तो टेक्स्ट फाइल के एग्जाम्पल्स क्या है, आपकी टेक्स्ट फाइल, ओके, जिसकी एक्सटेंशन होती है .txt, राइट, पाइथन फाइल्स .py, आपकी csv फाइल्स, ओके, कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, ओके. तो ये सारी क्या है, आपकी टेक्स्ट फाइल्स है, राइट? वेन वी ओपन अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर, फॉर एग्जाम्पल नोटपैड, वी सी सेवरल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट. ओके, तो ये क्या कह रहा है कि जब आप टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हो किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज करके, यहाँ पे हमने नोटपैड का एग्जाम्पल लिया है, तो आप क्या देखते हो, बहुत सारे लाइन्स ऑफ आप टेक्स्ट देखते हो, राइट?
जो भी आपने उसके अंदर स्टोर किया हुआ है वो आपके पास आ जाएगा, राइट। However, the file contents are not stored in such a way internally, rather they are stored in a sequence of bytes consisting of zeros and one. तो ये मैंने आपको बताया है कि लेकिन कंप्यूटर फाइल्स को कैसे स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, जीरो एंड वन की फॉर्म में स्टोर करता है, ओके। इंटरनली ये बाइनरी फॉर्म में जो भी फाइल्स होती है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है कंप्यूटर के अंदर, राइट। पाइथन यूजेस ट्रेडिशनल ASCII कैरेक्टर सेट, ओके। अब ASCII कैरेक्टर सेट क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। ये क्या है आपका कैरेक्टर सेट है जिसमें कितने कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, 128 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, फाइन। तो पाइथन ASCII कैरेक्टर सेट को भी फॉलो करता है, ओके, उसको यूज करता है। उसको यूज करने का मतलब ASCII कैरेक्टर सेट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो पाइथन क्या करता है, यूज करता है, ओके। इट आल्सो रिकॉग्नाइज द यूनिकोड कैरेक्टर सेट, पाइथन यूनिकोड कैरेक्टर सेट को भी फॉलो करता है, ठीक है। यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। इसको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस के भी कैरेक्टर्स को कंटेन करता है, फाइन। The ASCII character set is a subset of Unicode character set. तो ये ASCII क्या है, इसका subset है, okay? Now, a text file stores information in the form of a stream of ASCII or Unicode characters. तो text file कैसे information store करती है, या तो ASCII characters की form में information को store करती है, या फिर Unicode characters की form में information को store करती है, फाइन। समझ आ गया, टेक्स्ट फाइल क्या है, टेक्स्ट फाइल सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स, राइट। एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल की क्या हो सकती है, .txt, .py, .csv एसेट्रा, राइट। और इंटरनली कैसे स्टोर होती है, इंटरनली टेक्स्ट फाइल बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन, राइट, ओके। इन टेक्स्ट फाइल्स each line of text is terminated with a special character known as EOL, end of line character. तो ये क्या कह रहा है कि text file में जो lines होती हैं, right? वो terminate कैसे होती है, वो finish कैसे होती है, वो एक special character से finish होती है जिसको हम बोलते हैं end of line character, okay? तो जितनी भी lines होती हैं वो कहाँ पे finish होती है, end of line character पे जाकर finish होती है text file के अंदर, ओके। इन टेक्स्ट फाइल सम इंटरनल ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस व्हेन दिस एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर इज रीड और रिटर्न। आपने एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का यूज किया, ठीक है, एक लाइन के बाद, तो जैसे ही एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, स्लैशन हो सकता है या जो भी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज यू आर यूजिंग, ओके। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर जहां पे एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर आया तो क्या होता है, कंट्रोल कहां चला जाता है, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, ओके। इट डिस्प्लेस द रिमेनिंग फाइल कंटेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यू लाइन, ओके। द डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर इन पाइथन इज द न्यू लाइन कैरेक्टर। और पाइथन में अगर आपको एक लाइन का एंड करके नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आप किसका यूज करते हो, स्लैश एंड का यूज करते हो, ओके। कंटेंट्स इन अ टेक्स्ट फाइल आर यूजली सेपरेटेड बाय वाइट स्पेस, बट कोमा एंड टैब आर ऑल्सो कॉमनली यूज टू सेपरेट वैल्यूज इन अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर कंटेंट को सेपरेट करने के लिए आप स्पेस का, वाइट स्पेस का यूज करते हो यूजिंग द स्पेस बार, ओके। आप इसके अंदर कोमा एंड टैब का भी यूज कर सकते हो, ओके, वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके बताती हूँ, राइट क्लिक करो, ओके। हमने न्यू पे क्लिक किया एंड देन हमने यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। आगे आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे कुछ भी इसका नेम दे दो, abc.txt, राइट। नाउ ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको जो भी इसमें टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हो, या आपकी टेक्स्ट फाइल है हाउ आर यू ऑल, फाइन। और इसको ऑलरेडी हम सेव कर चुके हैं, कंट्रोल एस से कर देते हैं एंड देन क्लोज, ओके। दिस इज योर टेक्स्ट फाइल, इसको ओपन करके देखते हैं, राइट। ये आपका डेटा आपने इसमें स्टोर किया है, हाउ आर यू ऑल, ओके, क्वेश्चन मार्क, फाइन। ऐसे आप अपनी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हो।
नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनरी फाइल्स, राइट? बाइनरी फाइल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? अ बाइनरी फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, दैट इज 0 एंड 1. बाइनरी फाइल किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है? वो बाइनरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, राइट? बाइट्स, 1 byte इज इक्वल टू 8 bits, राइट? तो ये जो आपके बिट्स हैं वो कंबाइन होके बाइट्स बनते हैं, और नंबर ऑफ बाइट्स कंबाइन टुगेदर टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल, राइट? आप बाइनरी फाइल क्या है? एक सीक्वेंस है, एक स्ट्रीम है, जहां पे बहुत सारे बाइट्स को स्टोर किया गया है, फाइन? ओके, बाइनरी फाइल रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंटेंट सच एज, बाइनरी फाइल कौन सा कंटेंट रिप्रेजेंट करते हैं? इमेज, ऑडियो, वीडियो, कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ अदर फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एक्सेट्रा, राइट? तो बाइनरी फाइल आपको क्या शो, कौन सा कंटेंट सेव करती है, कौन सा कंटेंट वो प्रेजेंट करते हैं? इमेज, ऑडियो फाइल्स, मल्टीमीडिया फाइल्स, वीडियो एक्सेट्रा, फाइन? These files are not human readable. अब binary file क्या है? Binary form में होती है, 0 and 1 की form में होती है, तो वो क्या है? Human readable नहीं है. आपकी text file human readable है, but binary file human readable नहीं है, okay? Thus, trying to open a binary file using a text editor will show some garbage value. We need specific software to read or write the content of a binary file. तो आप क्या करोगे? अगर आप binary file को किसी text editor में open करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? वो आपको गार्बेज वैल्यू शो करेगी, मतलब गार्बेज मतलब कुछ भी उल्टी सीधी वैल्यूज आ जाएंगी, ओके? तो जो बाइनरी फाइल्स होती है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में ही ओपन होती हैं, जैसे आपकी इमेज फाइल्स हैं, राइट? उनके लिए वो इमेज सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होगी, राइट? ऑडियो फाइल्स है उसके ऑडियो सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे VLC मीडिया प्लेयर के अंदर ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स ओपन होंगी, ओके? तो ये इनके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर ये ओपन होती है. आप अगर इनको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करोगे तो क्या होगा? गार्बेज वैल्यू आएगी, फाइन? मैं आपको ये करके दिखाती हूँ. अब ये देखो, हमारे पास इमेज फाइल है. अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये आपकी ओपन हो गई है, इमेज फाइल आ गई है, राइट? ओके, या फिर हम इसको करते हैं ओपन विथ, ओपन विथ, इसको मैं कर देती हूँ फोटोज में, ठीक है? एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ये ओपन होगा, और ओपन विथ फोटोज में कर दिया मैंने इसको ओपन, राइट? ये कौन सी जो आपकी इमेज फाइल है, कौन सी फाइल है? बाइनरी फाइल है, राइट? अब मैं अगर इसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने की कोशिश करती हूँ, मैंने इसको नोटपैड में ओपन किया, तो क्या हुआ? देखो, गार्बेज वैल्यू आ गई है, कुछ भी उल्टा सीधा आ गया है, गार्बेज वैल्यूज आई है, राइट? तो क्या है, आपकी जो बाइनरी फाइल्स है वो उसको आप पर्टिकुलर जो उनके लिए एप्लीकेशन है, जो अगर इमेज है तो आप उसको इमेज एप्लीकेशन में ओपन करोगे, आपकी वीडियो है, ऑडियो है, आप उसको जैसे VLC मीडिया प्लेयर है उसके एक एप्लीकेशन जो उसको क्या करती है, प्ले करती है, फाइन, इसमें ओपन कर सकते हो. आप टेक्स्ट एडिटर में ओपन करोगे तो क्या शो करेगा? वो गार्बेज वैल्यू को शो करेगा. नाउ इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डिलिमिटर फॉर अ लाइन. तो बाइनरी फाइल में लाइन को स्टॉप करने के लिए, एंड करने के लिए कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज नहीं होता, कोई भी डिलिमिटर यूज नहीं होता. जैसे टेक्स्ट फाइल में एंड ऑफ लाइन करेक्टर यूज होता है, यहाँ पे एंड ऑफ लाइन, कोई भी एंड ऑफ लाइन करेक्टर यूज नहीं होता है, ओके? No translations occur in binary files because it contains information in the same format in which the information is held in the memory. अब text file का क्या होता है? Translation होता है from human readable language to machine language, from human readable language to binary language, right? लेकिन binary files क्या है? Binary form में ही store होती है, ओके? जैसे और memory में भी क्या होता है? Binary form में ही store होती है. तो यहाँ पे कोई translation नहीं होगा, राइट? बाइनरी फाइल का ट्रांसलेशन नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर करती है? वो 0 and 1 की फॉर्म में ही स्टोर करती है, वो बाइनरी फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, इसलिए बाइनरी फाइल की ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करती है. Now we have difference between text files and binary files. Okay, text files and binary files में क्या difference है? Now text files store information in ASCII or Unicode characters. Text file किस form में information को store करते हैं? ASCII characters में या Unicode characters में? दोनों क्या है? Character sets है, okay? बाइनरी फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 0s and 1. बाइनरी फाइल किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है? इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, राइट? ओके, इन बाइनरी फॉर्म,
ओके टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल कैन स्टोर ओनली प्लेन टेक्स्ट। टेक्स्ट फाइल में क्या है, आप प्लेन टेक्स्ट को ही स्टोर कर सकते हो, ओके करेक्टर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को ही आप स्टोर कर सकते हो। बाइनरी फाइल्स कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, बट बाइनरी फाइल में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हो, आप ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, ओके ये सारा आप स्टोर कर सकते हो। एक पर्टिकुलर सिंगल फाइल में भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्टोर कर सकते हो, मतलब ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, राइट। टेक्स्ट, इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन इज टर्मिनेटेड यूजिंग अ स्पेशल करेक्टर कॉल्ड एंड ऑफ लाइन करेक्टर। जब आप टेक्स्ट फाइल का यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको लाइन को ऐड करने के लिए एंड ऑफ लाइन करेक्टर का यूज करना होता है, राइट। लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसे किसी भी डिलिमिटर का यूज नहीं किया जाता लाइन को एंड करने के लिए, ओके ओके। टेक्स्ट फाइल widely used file format and can be opened in any text editor, right? So text file हम इसका क्या है, बहुत widely use है, हम इसको use करते हैं, okay? And can be opened in any text editor. आप text file को किसी भी text editor में open कर सकते हो, okay? Now binary file developed for an application and can be opened in that application only. तो binary files एक particular application के लिए ही बनाई जाती है और उसी application में आप उसको open कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपको audio चलाना है, आपको music play करना है, video play करनी है, तो आप किसके अंदर, VLC media player के अंदर उसको करोगे। अगर आप उसको text editor में open करने लग जाओगे तो क्या होगा, वो नहीं चलेगी, it will show you garbage value, right? Now, text file mostly .txt and .rtf are used as extensions to text file. तो text file की जो mostly extensions use की जाती हैं, वो .txt है text file और क्या है .rtf, rich text format files, okay? और binary files में क्या होता है, application defined extensions होती हैं, जैसे आपके अगर image है तो .gif आ जाएगी, okay? और डिफरेंट डिफरेंट इमेज एक्सटेंशंस यूज होंगी उसके अंदर, आपकी वीडियो है तो .mp4 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन जैसी एप्लीकेशन होगी उसी उसकी फाइल वैसी ही एक्सटेंशन को यूज करती है, राइट। Okay children, now we will meet in next video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.